हमें तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। टैरो विश्री 111 से मैं श्री आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे इस सेशन में आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो क्या अनकही बातें हैं जो वो चाहते तो हैं कहना लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये टाइमलेस रीडिंग है जैसा कि आप सब जानते हैं, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हो, आप किसी भी सिचुएशनशिप में हो आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तो इसका मतलब ये है कि इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो आप जब भी आपके सामने वीडियो पॉपअप होए तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। सो चेक करेंगे हम आज आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, जो वो नहीं कह पा रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात, उनकी सच्चाई। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी वन मोर स्टेप। द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मैम प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। मोस्ट ब्रेड, द वर्ल्ड। ओके, थोड़ा सा और शफल कर लेती हूँ मैं। Nine of Cups, Judgment, Eight of Cups, Knight of Wands, and Eight of Swords. प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं उनसे, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे। वन मोर स्प्रेड, going forward, fulfillment and truth. Divine please guide, mere viewers ke partners unse kya kehna chahte hain, mere viewers ke partners unse kya kehna chahte hain. Divine please guide, one more spread. Deceit, fifth chakra, Archangel Gabriel, okay, and contract. Divine,
डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज. आइसोलेशन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज. वन मोर स्प्रेड. Tricky. Dissipating. Complacency. And quest. Cards. मैं थोड़ी सजा लूँ पहले cards. इसके बाद बात करती हूँ. So cards दिख रहे हैं आपको अच्छे से? आई होप कि आप सबको कार्ड्स देख रहे हो. मैंने बहुत सुंदर सजाया. येस ऑलमोस्ट. सो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से, राइट? ये हमारा क्वेश्चन था आज का. सो माय डियर व्यूअर्स, आपके पर्सन जो हैं आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो यू नो आपका जो एक एटीट्यूड देख के वो हैरान है, वो सरप्राइज्ड है. यू नो एक ऐसी एक आपकी एक पर्सनालिटी, एक आकर्षक में अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक लग रहे हो आप उन्हें, बहुत अट्रैक्टेड लग रहे हो आप उन्हें, इतने फोकस्ड हो आप. मे बी अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हो आप, अपने करियर पे फोकस्ड हो सकते हो आप, इतने फोकस्ड हो आप कि वो एकदम सरप्राइज्ड है आपको देख के कि कैसे आप यू नो इतना हर्ट होने के बाद भी इतने अच्छे से अपने लाइफ में आप जो दिखा रहे हो उनको कि आप यू नो आगे बढ़ रहे हो, आपको फोकस्ड हो आप अपने करियर पे, फोकस्ड हो आप जो भी आप कर रहे हो, जहाँ भी आप हो वहाँ फोकस्ड हो आप, आपकी एंथुजियाज्म को देख के वो सरप्राइज्ड हैं कि कोई कैसे इतना टूटने के बाद फिर से इतना यू नो अट्रैक्टेड हो सकता है, कैसे फिर से इतना फोकस्ड हो सकता है. आपको एक बोल्ड फीमेल की तरह आप उन्हें देख रहे हो, बोल्ड यू नो मैच्योर, बहुत बहुत बोल्ड, जो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारना जानता है, जो कि अपने पाथ को यू नो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कैसे उसे पूरी तरह गिर के कैसे उसे खड़ा होना है, ये आपको पता है, ये आपको आता है. और ये देख के आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये है कि कैसे, मतलब क्योंकि वो खुश नहीं है आपके बिना, उनकी उनकी ज़िंदगी जो आपके बिना है, जो वो पूरी की पूरी यू नो बिखरी पड़ी हुई है एकदम से, यू नो किसी के साथ उनका क्या कहते हैं, मतलब होता है ना कि अच्छे से बात करना वो नहीं उनसे हो रहा है, कि वो अच्छे से बात कर पाए किसी से, आर्ग्यूमेंट हो जाती है उनकी, उनकी लड़ाई हो जाती है जब वो किसी से बात करते हैं, इसलिए क्योंकि मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए. ठीक है, फूल की तरह यू नो वो अपने आप को जानते हैं कि उनमें बहुत इमेच्योरिटी है, बहुत बचपना है. आपके सामने हमेशा जो है वो इमेच्योर तरह से वो बिहेव किए है ना, ना कभी आपकी डिसरेस्पेक्ट करके, कभी आपको इग्नोर करके, लेकिन अब जो है वो यू नो आपकी तरफ एकदम बेफिक्र होकर बढ़ना चाहते हैं. और वो जानते हैं, वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपको तो पता है कि उनमें इमेच्योरिटी है, आपको तो पता है कि वो इमेच्योर है, कभी कभी उनकी हरकतें जो हैं वो बहुत बच्चों जैसी होती है ना, मतलब कभी बिना बात के रूठ जाना, बिना बात के यू नो आर्ग्यूमेंट करना, इस तरह की जो हरकतें उनकी हैं तो आपको पता है कि वो इस तरह के हैं. तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको तो पता है कि वो यू नो इमेच्योर है, उनकी हरकतें आप जानते हो अच्छे से, ऑप्शंस उनके पास बहुत है. आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बट यू नो उनको समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, उनको ये कोई ऑप्शंस नहीं चाहिए. ठीक है, जो भी ऑप्शंस उनके लाइफ में हैं वो खुश नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ भी वो चाहते हैं जाना, जिस रिश्ते के साथ भी वो चाहते हैं रहना, वहाँ उनकी जो है फाइट हो जाती है, उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है. और वो ये कहना चाहते हैं, ये कार्ड हमें ये बताता है कि यू नो आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत आपको हर्ट किया उन्होंने,
आपने अपने हथियार डाल दिए, ठीक है, वो फिर भी हथियार पकड़ के खड़े रहें, वो आपसे आपको बुरा भला कहते रहें, आपको गलत साबित करते रहें, आपने अपने हथियार डाल दिए थे, आपको ये लग रहा था कि किसी भी तरह से ये जो रिश्ता है वो टिक जाए, किसी भी तरह से आप एडजस्ट कर लो और आप सुन लो जो वो कह रहे हैं, आप वो ब्लेम ले लो जो जो दे रहे हैं, आप आपको बुरा भला कह रहे हैं, आप सब कुछ आप ले लो, लेकिन फिर भी आप चाह रहे थे कि ये रिश्ता टिक जाए किसी भी तरह से। जो फाइट्स हुए हैं वो दो दिन में ठीक हो जाएंगे, मे बी इनका जब मूड सही हो जाएगा, इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा तो ये शांत हो जाएंगे, आप इन्हें समझा लोगे। तो आपने अपने हथियार ऑलमोस्ट डाल दिए थे, आप चाहते ही नहीं थे कि ये ब्रेकअप हो, ये सेपरेशन हो, बट ये जो है ये तलवार पकड़ के कंटिन्यू चला रहे थे। मीन्स इनको उस टाइम पता नहीं क्या हुआ था, ये समझ नहीं पा रहे थे। तो आपके जो पर्सन हैं वो अब ये कहना चाहते हैं कि आपने तो हथियार डाल दिए थे, बट ये जो है हथियार पकड़ के सब कुछ ख़राब कर दिया इन्होंने, और अब जब सब कुछ ख़राब हो गया है तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा प्यार करने वाला इंसान जो इनके लाइफ में था, जो इन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, सबसे ज़्यादा वैल्यू देता था, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा था, उस इंसान को इन्होंने खो दिया है। अब ये जो है हताश, निराश, दुनिया से दुखी ऐसे एक इंसान के रूप में मुझे दिख रहे हैं। और इनका कहना अभी ये है कि आपको लग रहा होगा, मतलब इनका कहना है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे खो दिया है, तुमने एक प्यार करने वाले पर्सन को खो दिया है, लेकिन इन्होंने तो आपके जितना कभी किया ही नहीं, जितना आपने इनसे प्यार किया उतना प्यार ये ज़रूर करते हैं आपसे, लेकिन इतना दिखाया नहीं आपको, इतना शो नहीं किया आपको अपना प्यार, इतना एक्सप्रेस नहीं किया आपको अपना प्यार जितना आपने किया ना, जितना टाइम, जितनी एनर्जी, जितनी डेडिकेशन, पैशन जो आपने दिखाया वो इन्हें मौका नहीं मिला दिखाने का, है ना, या मौका मिला भी तो इन्होंने दिखाया नहीं। तो आपको ये, आप ये सोच के दुखी हो रहे होंगे कि आपने इन्हें खो दिया, लेकिन इन्हें पता है कि इन्होंने आपको खो दिया, मतलब ऐसे प्यार करने वाले इंसान को ये दुखी है खोकर। आप दुखी ना हो इनका ये कहना है, आपको दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है इनका ये कहना है। अब जो है ये चाहते हैं कि किस तरह से सब चीज़ सेटल हो पाए, किस तरह से सब चीज़ ठीक हो पाए, किस तरह से ये जो है एक क्या पश्चाताप जो होता है वो क्या ऐसा करें कि सब कुछ ठीक हो पाए। लेकिन जब भी ये ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर इन्हें याद आता है आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इन्हें लगता है कि ये आपके पास जाएंगे और फिर से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर से आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से आप लोगों की वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे ही नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो आपको ऐसा देखते हैं, वो अबंडेंट लेडी, एक जिसके पास ड्यूटी है, जिसके पास मैच्योरिटी है, जिसके पास केयरिंग एक बिहेवियर है, जिसके पास सब कुछ है, जो कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न ऐसी एक लेडी आपको मानते हैं वो, ठीक है। ये जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं आपको कि सब कुछ है आपके पास, दुनिया भर की खुशी आपके पास है ना, ऐसा देख रहे हैं अभी आपको वो, ठीक है, इस तरह से वो आपको देख रहे हैं अभी, ठीक है, सब कुछ आपके पास है, कुछ किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है, द वर्ल्ड दुनिया भर की खुशी आपके पास है, आपके पास जितने आपके रिलेशन हैं सब फुलफिल्ड हैं, जितने आपके दोस्त हैं उनसे आप ब्लेस्ड हैं, जितने भी आपके पास लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी है आपके पास, आप अपने लाइफ में फुलफिल्ड हो, ऐसा देखते हैं आपको। आप अपने आप अभी हो सकता है कि सेल्फ केयर कर रहे हो, तो ये इंसान इसको समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे, मतलब इनकी हालत ऐसे है सेपरेशन के बाद, आप ऐसे कैसे, मतलब ये पूछना चाहते हैं आपसे, ये कहना नहीं चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि कैसे, हाउ, जब इनकी ये आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इतने खुश नहीं हैं आपके बिना, ये आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं, ठीक है। अब आप इनके लाइफ में जब तक रहते हो तब तक सब कुछ ठीक रहता है, जब आप इनके लाइफ से निकलते हो, आपका सेपरेशन आता है, तो इनका सब कुछ ना दुनिया उलट पुलट हो जाता है। तो ये इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये चाहते हैं कि जजमेंट करें, ठीक है, ये चाहते हैं कि आपके पास आएं, आपको बोलें, आपसे एक्सप्रेस करें अपना प्यार, अपना लव, सब कुछ आपको बताएं, अपने दिल की हालत
बताएं आपको, बट ये जो है देखिए इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अभी, ठीक है। ये जो चाह रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक करना, इसलिए क्योंकि इनको सोल शॉक लगा है, ठीक है। तो जब सोल शॉक लगता है तो यू नो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले एक फेज होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो इनकी इनकी लाइफ अभी ऐसी है, इनको भी लग रहा है ना कि सब कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ खराब हो रहा है, ये एक फीलिंग इनकी है। ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और ये बहुत जल्दी ठीक करेंगे भी, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत इनकी ग्रोथ बहुत है, मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। नाउ अब इनको लग रहा है कि यू नो सब कुछ छोड़कर आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको भूलकर आप मूव ऑन कर रहे हो, ये आपको जजमेंट ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ जो बुरा हुआ उससे ये सही करना चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आपको जो जो भी आपको इन्होंने ऑफर कोई भी ऑफर अगर आपको ये देंगे तो आप इसे रिजेक्ट करके आप मूव ऑन कर रहे हो। एक्चुअली इन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, इन्हें ये लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनसे यू नो परेशान हो गए हो, आप इनको छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड हो आप, अपने करियर पे फोकस्ड हो आप मे भी आपके सोशल मीडिया पे ये जो है आपको फॉलो करते होंगे और देखते होंगे कि आप यू नो खुश हैं, आप कुछ ऐसे पिक्स आप लगा रहे होंगे, कुछ ऐसे पोस्ट आपके होंगे जिन्हें देख के इनको लग रहा है कि आप खुश हो अपने लाइफ में, आप उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ फुलफिल्ड है हर चीज़ से। अगर ये नहीं भी रहेंगे आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, ये सोच रही है, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं कि जब भी सेपरेशन के बाद आपका यूनियन हुआ है यू नो उसके बाद फिर से सब कुछ खराब हो गया, तो ये चाहते हैं आपके पास आना, बट फिर इनको ये डर है कि फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। यू नो अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कम से कम कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड है, नॉट इन दिस डायमेंशन बट समवेयर कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है। तो एक कनेक्टिविटी ये फील कर पा रहे हैं आपके साथ, एक सोल टू सोल कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं आपके साथ, बट इनको ऐसा लग रहा है कि फिजिकली जब ये आएंगे आपके पास बात करने के लिए तो फिर से जो है वो यू नो फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से आपके आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि यू नो सब कुछ धुंधला सा ब्लरी, समझ नहीं आ रहा करें क्या, ठीक है। नाउ ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ दुनिया की हर खुशी को देखना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ सब कुछ देखना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ फुलफिल्ड है। ये आपको कहना चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपके साथ फुलफिल्ड हैं, ये फुलफिलमेंट फील करते हैं, कम्प्लीटनेस फील करते हैं आपके साथ, आप इनको यू नो वो खुशियाँ देते हो जो इन्हें और कहीं से नहीं मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट, एक कम्प्लीटनेस वाली फीलिंग जो आपसे मिलती है वो इन्हें किसी और से नहीं मिलती है, ठीक है। नाउ ये जो इंसान है ना, देखिए आप लोगों के बीच में जो भी हुआ ना उसमें एक थर्ड पर्सन कोई है जो कि इनको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, इनके होता ना कि कान भरे हैं किसी ने आपके खिलाफ। देखिए ये जो दिख रहा है ना कर्टन के पीछे कोई इंसान है, वो आपको समझना है कि कौन है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो कोई एक इंसान जो आप दोनों के बीच में है और जो चाहता है आपका रिश्ता खराब हो, कोई एक ऐसा इंसान, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो इंसान कौन है। मे भी कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो कि इनका कान भर रहे हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल और किसी से भी कुछ बोलने के पहले बहुत बार सोचे, कोई कोई यू नो कोई बहुत ज़्यादा अगर आपका कोई ट्रस्ट वर्दी कोई फ्रेंड हो उसी से शेयर करें सारी चीज़ें, बाकी किसी से मे भी आपने किसी फ्रेंड से यू नो नॉर्मली कैजुअली आपने कुछ कहा होगा इनके बारे में और उन्होंने जाके इनके कान भरे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा इंसान है तो ये आपको यही कहना चाहते हैं कि उसने मुझे ये कहा वाली एक ये कार्ड है, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो आपने उस पर्सन से ऐसा क्यों कहा, जिससे भी आपने कुछ कहा है, तो ये कहना चाहते हैं। अब आप फाइंड आउट कीजिए कि आपने किससे क्या कहा था, ठीक है। इनको एक एक्सप्रेशन में यू नो फीलिंग एक्सप्रेस करने में एक प्रॉब्लम थी पहले, राइट। अब जो है इनका थ्रोट चक्र जो है वो हील हो रहा है और आर्कएंजल गैब्रियल जो है इनको हील कर रहे हैं और आर्कएंजल
गैब्रियल का मैसेज है कि डोंट वरी, इनका जो थ्रोट, इनका जो थ्रोट चक्र था वो हील हो रहा है और हील ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। इस इनके बाकी के कार्ड्स में बताऊंगी आपको कैसे पता चल रहा है कि ये हील हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे पता चलता है कि हीलिंग हो रही है, ठीक है। जब हीलिंग होती है तभी रिश्ते समझ में आते हैं कि कौन आपके लिए कितना करता है, कौन आपके बहुत करीब है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपके साथ रह के भी आपका बुरा चाहता है, कौन दूर रह के भी आपका अच्छा चाहता है, ठीक है। तो जब हीलिंग होती है तभी हमें ये सब चीज़ समझ में आती है, ठीक है। ट्रूथ, ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि आपको ये आपके साथ ये एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको इक्वल लव देना चाहते हैं, आपके साथ जैसे आप इनके साथ थे वैसे ही ये आपके साथ रहना चाहते हैं। और ये जो है मिस कर रहे हैं उन सारे फीलिंग्स को, उन सारे अफेक्शन को, उन सारे जो आपने जो टाइम एनर्जी इन पे जो इन्वेस्ट किए हैं ना, उस सब को ये मिस करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रूथ है, ये जो ट्रूथ है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये आपको आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। क्वेस्ट का कार्ड जो है ना, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, देखिए इनका जो है ना रूट चक्र रेड कलर होता है, रूट चक्र, इनका रूट चक्र हील हो रहा है, जिससे इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन ये जो है प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। कि आज कल में भी इनको एक हिम्मत की जो कमी है ना, इनमें जो फियर है ना, वो ये है कि इनका रूट चक्र ब्लॉक था, इसलिए इतने दिन तक ये इंसान जो है आपकी तरफ नहीं बढ़े। नाउ इनका रूट चक्र हील हो रहा है, ठीक है, और हीलिंग चल रही है, इनका अवेकनिंग प्रोसेस में है, क्योंकि आउटपुट में आया है कार्ड, वो तो प्रोसेस में है, इनका जो अवेकनिंग है, अवेकनिंग हो रही है, इसीलिए इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ जस्ट इसके ऊपर होता है ना, रूट चक्र के ऊपर जो होता है, नॉट जस्ट रूट चक्र के ऊपर होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। जिस सोलर प्लेक्सस चक्र जो इनका है वो ब्लॉक था, ठीक है ना। अब ये जो है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट ये प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं उस चीज़ को, हर दिन ये प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि ठीक है बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बट बढ़ नहीं रहा आपकी तरफ, ठीक है। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और काम चल रहा है इससे, क्योंकि अवेकनिंग चल रही है इनकी, ठीक है। देखिए हार्ट चक्र ब्लॉक है और इनको पता है बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कि आप जो हैं आपके साथ खुशी है उनकी, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना ये क्या कहते हैं उसे दिखाना नहीं चाहते हैं, आपके सामने शो नहीं करना चाहते, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, ठीक। ट्रिकरी वाली एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड हमें ये बताता है कि ये ज़बरदस्ती का आपको अपने आप को आइसोलेट करके रखा है इन्होंने, ठीक है, हर इंसान से, ना सिर्फ आपसे बल्कि इनके आसपास के लोगों से भी इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा है। नाउ ये जो इंसान है ना, ये ऐसा हो सकता है कि मैसेज टाइप करते हैं आपको फिर डिलीट करते हैं, फिर कॉल लगाते हैं आपको फिर डिलीट करते हैं, मतलब कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये ऐसी एक बिहेवियर इनकी दिख रही है मुझे, ये हमेशा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको प्रोकास्टिनेट कर देते हैं कि नहीं आज नहीं कल, इस तरह से डेली इनको एक विश्वास है कि क्या पता आप आ जाएं, ठीक है, इनके आप वापस आ जाएं, आप एक्शन ले लें, ताकि ये जो है ये जो है इनको ये जो है झुकने में जो प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है, इनका ईगो सेटिस्फाइड रहे। ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है और बहुत कुछ जो है ये इंसान की आंखें खुल रही हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब ये इंसान जो है आपको समझते हैं, आपको जो पहले जो चीज़ थी ना कि आपको समझना नहीं, इग्नोर करना, आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, आपको वैल्यू नहीं करना, आपको प्रायोरिटी नहीं देना, अब ये इंसान चाहते हैं कि आपके पास आए और आपको वो वैल्यू, आपको वो प्रायोरिटी, आपको वो लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट वो दें, ये सब वो चाहते हैं। बट पूरे जो एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इन्होंने किया है जो कि इनको आपको फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, आँख में पट्टी बंधी हुई है, नहीं पता कि कैसे क्या करें, कैसे ठीक करें चीज़ों को, लेकिन डेस्परेटली वो चाहते हैं कि वो ठीक करें, क्योंकि ये एनर्जी जो निकल के आई है ना, डेस्परेट एनर्जी, यूथ का एक होता है ना कि बहुत यंग जो होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता है, तो इम्पेशेंट होके ये आपके पास आना चाहते हैं, होता ना कुदक के आपके पास आ जाए एकदम, मतलब झट से आपके पास आ जाए ऐसे।
आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा इन्होंने किया है, कुछ ऐसी यू नो ऐसी कोई मतलब क्या कहें, बहुत पॉइजनस होते हैं ना कि पॉइजनस टॉक, कुछ ऐसा जहरीली बात इन्होंने आपसे बोली है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और इस चीज़ का गिल्ट जो है इनको है, और ये गिल्ट के चलते ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं आपको, आपसे कनेक्ट करना, आपको मैसेज करना, कॉल करना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ आगे बढ़ना, ज़िंदगी बिताना, खुशियों भरा ज़िंदगी आपके साथ फील करना, बट इनको एक गिल्ट है जो पूरा जो पूरी एनर्जी जो देख के मुझे जो फील हो रही है वो ये है कि इनके अंदर एक गिल्ट है, ये आपको फेस करने से डर रहे हैं। यू नो डर रहे मीन्स इनको नहीं पता कि कैसे फेस करें आपको। ठीक है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग अभी जाके यू नो कॉल कर लीजिए, अपने पार्टनर को मैसेज कर लीजिए, नहीं, इन्हें समझ में आना चाहिए कि इनकी गलती थी, है ना। तब अगर अपनी गलती को समझ के जब ये आएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम से वो गलती करने में ये डरेंगे। और अगर आप जाके इनको कनेक्ट करोगे ना कि इनको अभी पछतावा है, है ना, ये अब समझ रहे हैं अपनी गलती तो नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं जाके कनेक्ट करती हूँ, तो आप इनको मौका दोगे बार बार वो सेम गलती रिपीट करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है। बहुत अच्छी एनर्जी है, इनको समझ में आ रहा है, और जो हमारा क्वेश्चन था आज का कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये यही कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, कि ये आपके साथ, ये आपकी एनर्जी को देख के, आपकी एंथुजियाज्म को देख के, आपका ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो देख के ये हैरान है कि कैसे कोई इंसान इतना हर्ट हो के भी इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ठीक है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बट जो है इनको गिल्ट है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। और जब आपकी बात होगी तो ये इंसान आपसे ये सब बात बोलेंगे, और जब बोलेंगे ये इंसान ये सब आपसे, तो आप मुझसे आके शेयर ज़रूर करना, ठीक है, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। एक गिल्ट है इस इंसान के अंदर, ठीक है, और ये आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, क्योंकि आप सेल्फ केयर कर रहे हो, है ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। जब आप सेपरेशन में हो तो आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से, है ना, बहुत जी जान लगा के आपने इस रिश्ते में दिया है। अब जो है ये जो इंसान है, मे बी आपको इतना टाइम नहीं दे रहे थे, मे बी आपको यू नो समझते नहीं थे, आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, तो दुख किसको होना चाहिए एक्चुअली, जो दुख है वो किसको होना चाहिए, वो इस इंसान को होना चाहिए कि उन्होंने इतने एक प्यार करने वाले को अपनी ज़िंदगी से खो दिया है, उनका लॉस है ये, आपका लॉस नहीं है, क्योंकि प्यार आपके अंदर है, आप इनसे नहीं किसी और से भी प्यार करोगे तो आप उतना ही प्यार करोगे उनको, है ना, इनकी क्वालिटी थोड़ी है कि आप उनको उनकी क्वालिटी से आप उनको प्यार कर रहे हो, आपके अंदर वो प्यार है जिससे आप उनको प्यार कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप इनको इतना प्यार कर रहे हो, तो आप इनसे नहीं किसी और से भी प्यार करोगे तो आप उतना ही प्यार करोगे, तो इसलिए लॉस जो है ये इंसान का है, ये एक्चुअली ये कहना चाहते हैं आपसे कि लॉस इनका है, आपका नहीं है, ठीक है, तो आराम से रहें, खाते पीते खुश रहें, ये इंसान को यू नो अपनी गलती का एहसास है और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ सम मोर मैसेजेस प्लीज। रिलीजियस फैक्टर मे बी आप लोगों के बीच रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अ ब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मे बी आप लोगों के बीच कुछ रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस के हो सकते हो आप लोग, सबको तो मैं नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों का ये ज़रूर फैक्टर हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के प्यार का जो दुश्मन है वो आपका रिलीजन मे बी मैटर हो सकता है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। जब आएंगे तो पूरा पैशन दिखाइएगा आप, ठीक है, जब आपके पर्सन आएंगे तो पूरा पैशन गा के डांस करके यू नो सब दिखाइएगा, पैशन दिखाइएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखा, मैंने बोला ना आपको कि एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहिए आप, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी हीलिंग चल रही है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब आप यू नो ट्रस्ट करते हो डिवाइन पे, सरेंडर करते हो जब आप, तो आपके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, रिकंसलेशन का कार्ड ऑलवेज निकल के आ रहा है, हमेशा आ रहा है ना, तो बहुत जल्दी रिकंसलेशन होने वाला है। देखिए, अवेकनिंग चल रही है इनकी, अवेकनिंग जैसे ही प्रोसेस यू नो थोड़ा सा कंप्लीट होगा ना, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे फॉर श्योर। ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे आपकी तरफ। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर
एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. देखिए कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड जो कि फेथफुल हो, जो बहुत है ना, जो कि ईमानदार हो, जो कि चाहता हो आप लोगों की यू नो रिकंसिलेशन आप लोगों का हो, वैसे एक फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं. और मैं यही कहूँगी कि यू नो छोड़ दें अगर अपने फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक पर्सन है जो कि आप लोगों के बीच में यू नो मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को, तो अपने फ्रेंड को आप एंजल को अपने फ्रेंड माने और उनसे आप रिक्वेस्ट करें अपने रिकंसिलेशन के लिए और सब कुछ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड ये आपके पर्सन जो है आपसे कहना चाहते हैं बहुत प्यार से. बहुत सरप्राइज है आपको देख के, आपकी एनर्जी को देख के, आपके अट्रैक्शन को देख के, आपके ब्यूटी को देख के, आपके काम को देख के, आपके सक्सेस को देख के. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको. मिली होते से लाइक और शेयर करें. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.